नमस्कार दोस्तों, एजी एडवाइस में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास के बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस। क्या होते हैं जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस, क्या डिफरेंस है इनमें, चलिए जानते हैं। देखिए ऐसा एविडेंस जिसे देखकर सुनकर न्यायालय स्वयं उसकी सत्यता परख सकता है, जुडिशियल एविडेंस कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि साक्षियों द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान या उनके द्वारा कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेज वगैरह। कोर्ट को व्यक्तिगत जानकारी और संप्रेषण के लिए उनके समक्ष लाए जाते हैं, ये न्यायिक साक्ष्य होते हैं। चलिए तो ये हुई जुडिशियल एविडेंस की बात। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस की बात। तो दोस्तों एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस में वो फैक्ट आते हैं जो नॉर्मली कोर्ट में पेश नहीं होते, बल्कि मूल तथ्य और न्यायिक साक्ष्यों के बीच श्रृंखला का काम करते हैं। इसे भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो अपने अपराध की संस्वीकृति न्यायालय के समक्ष करता है तो ये जुडिशियल एविडेंस होगा। लेकिन यदि वो व्यक्ति अपने अपराध की संस्वीकृति अपने किसी दोस्त, नातेदार, सगे संबंधी के समक्ष करता है जिसकी जानकारी में उस मित्र के सगे संबंधी द्वारा कोर्ट को दी जाती है तो ये एक्स्ट्रा जुडिशियल एविडेंस होगा, यानी न्यायतिरिक साक्ष्य होगा। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।